हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पानिनी हुसैन। दोस्तों, पूरा देश एकजुट होकर अदृश्य दुश्मन कोरोना वायरस से इकट्ठा होकर बड़े बहादुरी से लड़ रहा है। मैं 21 तारीख से घर पे हूं और सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से बाहर की दुनिया से संपर्क बनाए हुए हूँ। दोस्तों, हिंदुस्तान की जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो बड़ी भयावह है। अमीर लोगों ने गरीब लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। हिंदी बेल्ट के करीब 15 करोड़ मजदूर नौकरी से चले जाने के बाद रोड पे आ गए। उन्हें रहने के लिए घर नहीं है और ये तमाम मजदूर हिंदी बेल्ट के, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा इत्यादि के मरीज, इत्यादि के कामगार हैं। रोड पे आ जाने के कारण वे लोग बड़े परेशान हैं। लॉकडाउन हो जाने के कारण गाड़ी घोड़े आने जाने की सवारियां बंद हो चुकी हैं और वे लोग 1500 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। गवर्नमेंट को इन कामगारों की परेशानियों को समझना होगा। आज की जो स्थिति है, इस स्थिति में कोई किसी को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग, समाज सेवक लोग आगे बढ़कर अपने आस पड़ोस में और लोगों की मदद के लिए सक्रिय ज़रूर हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम कामगारों को, मजदूरों को जो पैदल घर के लिए रवाना हो गए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वे भागे नहीं, जो जहाँ है वहीं आस पड़ोस के स्कूलों में, धर्मशालाओं में, मॉल में, जहाँ भी जगह मिले वहाँ सोशल डिस्टेंस बना के वहीं ठहर जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ ठहरने के बाद उन लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उपलब्ध ज़रूर हो जाएगी। दोस्तों, ख़ास तौर से मैं कारोबारियों से, दवा व्यापारियों से अनुरोध करता हूँ कि इस भयावह स्थिति को समझें और ज़रूरी जो चीज़ें हैं उनका दाम ना बढ़ाएं, कालाबाजारी ना करें, क्योंकि जब हम इकट्ठा रहेंगे तभी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं और एक दूसरे के सहयोग करें और इस अदृश्य दुश्मन से निजात पाएं। यही एक रास्ता है। जय हिंद।